देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने फिर से एक बार लोगों को ये बता दिया है कि अब 21 दिन का लॉकडाउन हो चुका है, जिसके चलते लोग घर से बाहर ना निकले। अब हम आपको पूरा शहर का एक गश्त करते हुए क्या हुआ है ये बताने जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद है, आने जाने वालों की जाँच कर रहे हैं। कल तक के पुलिस ने कुछ ऐसे लोग थे जिनके ऊपर में कुछ लाठियाँ भी चलाई थी, मगर आज वो नौबत नहीं है। लोग पूछ रहे कहीं जाना है तो वे अपने कागजात बता रहे, तो वहीं देख सकते हैं कि कुछ महिला पुलिस भी कुछ लोगों से बातचीत करती हुई नज़र आ रही है। और जहां पानी की टंकी हो, लोगों में जो पानी के लिए जो बड़े बड़े टैंकर है वो भी पहुंचा जा रहे हैं। इधर पेट्रोल पंप भी पूरी तरह से खुला हुआ दिख रहा है। इक्का दुक्का वाहन भी आ रहे हैं, पुलिस की मोबाइल वैन और दो पहिया पे भी पुलिस सब तरफ पैनी नज़र रखे हुए है। और आज जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ वाहनों की कतारें लग चुकी है और सबको ये पूछा जा रहा है कहाँ से जा रहे हो, क्या नहीं जा रहे, कोई हर कोई अपने कामकाज से जा रहा है। ऐसे में देख सकते हैं आप कि यहाँ पे पूरी तरह से पुलिस तैयार है। अब संचार बंदी तो लागू हो गई, लॉकडाउन जो हो चुका है अब लोग उसका पालन करते हुए नज़र आ रहे हैं। 14 अप्रैल तक के ये कार्रवाई इसी प्रकार का चलने वाला है। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि कोई भी अपने घर से ना निकले, और जहाँ खान पान की चीज़ें जो है वो भी आसानी से मिल जाएंगी, मगर अब शहर के लोग हैं कि जहाँ ग्रोसरी यानी किराना की दुकान है या सब्जी की दुकान है, लोग भीड़ भाड़ कर रहे हैं, वो भीड़ भाड़ कम होना बहुत ज़रूरी है। बाकी देखा जाए तो काफ़ी अच्छा पुलिस का कामकाज और संचार बंदी को लोग पूरी तरह से सहयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। नागपुर से कैमरा पर्सन मोहड़ के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।